पूजा करते जाएगी लेते ओम आकृष्णे लज्जसा वर्तमानो निवेशयन्न रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः ओम राम रामाय स्वाहा ओम राम रामाय स्वाहा ओम राम रामाय स्वाहा इदं राम रामाय इदं नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय जो नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय
साथियों हमारे साथ हैं श्रीमान भुवन चंद जोशी जी, जो उत्थान मंच समिति से भी जुड़े हैं, और आइए हम उनसे इनके बारे में और ये इस आयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 10 वर्ष पूर्व जो है ये पड़ोसी सांस्कृतिक उत्थान मंच के प्रांगण में गोलजू की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इसके लिए हम के लिए मंच के जो पदाधिकारी थे वो चंपावत गए। चंपावत ने गोलजू से आज्ञा ली, वहाँ से मिट्टी लेकर के आए और यहाँ पर जो है यहाँ मंदिर की स्थापना कर वहाँ पर गोलजू मंदिर की स्थापना की। और यह अब गोलजू क्योंकि आराध्य देव हैं, हमारे सारे सब कुमाओं के इष्ट देव हैं, तो हम लोग जो है हर वर्ष 10 और 11 फरवरी को इस इनके उनका वार्षिकोत्सव पर्व मनाते हैं। प्रथम दिन हम लोग गोलजू का जागरण लगाते हैं, जिसमें अपार संख्या में यहाँ के पर्वतीवासी कुर्मांचलवासी उसमें भाग लेते हैं, और साथ ही जो अन्य वर्गों के लोग हैं वो भी आकर के गोलजू को प्रणाम करते हैं। और दूसरे दिन 11 फरवरी को हम जो है क्या कहते हैं यहाँ पर भंडारे का विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, और उससे पूर्व शिव पूजा और गोलजू की पूजा और हवन का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन जो है मैं जो आपने यज्ञ कर रहे थे तो उसका क्या महत्व है, किस तरह से ये इसका अनुष्ठान किया जाता है? जो कोई भी धार्मिक कार्य हो जी, धार्मिक अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि यज्ञ न हो जी। हवन यज्ञ जब होता है उसी के बाद जब हम कहते हैं कि हम देवताओं की संतुष्टि या जो भी है वो तभी है जब कभी हवन के माध्यम से हम उनको भोग देते हैं, उनको देते हैं, उनका आहुतियाँ देते हैं, वो सब देवताओं के लिए दी जाती है। तो ये यज्ञ का क्या पूरा ही तभी होता है जब हवन और यज्ञ हो पूर्णा होती है। जी धन्यवाद। साथियों हमारे साथ हैं पर्वती साथी सांस्कृतिक उत्थान मंच हल्द्वानी की शाखा के समिति के मुख्य अध्यक्ष श्रीमान तिवारी जी, और आइए हम उनसे जानते हैं इस समस्त आयोजन का महत्व और इसका प्रारंभ। पर्वती सांस्कृतिक उत्थान मंच की स्थापना के बाद सभी की राय ये रही कि यहाँ पर गुरुजी की मूर्ति की स्थापना हो और एक मंदिर बने, तो 1906 में यहाँ पर ये मंदिर की स्थापना हुई और इस मंदिर का विधिवत जो है प्राण प्रतिष्ठा गुरुजी की मूर्ति की हुई, और उसके बाद यहाँ प्रतिवर्ष स्थापना दिवस के रूप में फरवरी 10 और 11 तारीख दो दिन के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 10 फरवरी को सायंकालीन गुरुजी की जागर लगाई जाती है जो कम से कम 3-4 घंटे चलती है जी। उसके बाद दूसरे दिन प्रातःकाल 11 तारीख को मंदिर गुरुजी के मंदिर में भजन कीर्तन और सेवार्चन किया जाता है जी, तथा उसी के साथ साथ ही दोपहर दिन में 1 बजे के आसपास भंडारा किया जाता है और सभी लोगों को गुरुजी का प्रसाद भंडारे के रूप में जी। अच्छा, ये अभी 2017 वर्ष लग गया है, तो इस साल इसके कितने वर्ष और कितना समय पूरा हो चुका है इस आयोजन इस अनुष्ठान का? ये लगभग 11वां स्थापना दिवस समारोह है जी। इस दौरान जो है मंदिर के निर्माण तथा उसके पुनरुद्धार और कई चीज़ें इसमें शामिल करते हुए जी ये 2017 फरवरी में इनका स्थापना दिवस जी विशेष उत्साह से मनाया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।